नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है जन्माष्टमी और हमारी तरह आप सब भी लगे होंगे तैयारी में। तो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं आप जन्माष्टमी की, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हम लोग भी सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं। नैना कर रही है झांकी सजाने की तैयारी और योगिता ने कुछ शॉपिंग की है जिसे वो आपके साथ शेयर करेगी अगले कुछ पलों में। और मैंने जिम्मेदारी ली है कन्हैया के लिए भोग प्रसादी बनाने की। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ आज मथुरा के पेड़े, जो कि जन्माष्टमी की एक सिग्नेचर डिश। तो चलिए मैं आ गया हूँ किचन में और तैयारी करते हैं मथुरा के पेड़े बनाने की। मथुरा के पेड़े एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। जो भी मथुरा में रहते हैं उन सबको पता होगा कि कितनी मेहनत से ये पेड़े बनाए जाते हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत ही आसान सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे टेस्ट और टेक्सचर तो वही आएगा लेकिन बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी फर्स्ट रेसिपी मथुरा के पेड़े। तो जी, पापा जी किचन में बन रहे हैं आज। सबसे पहले जन्माष्टमी की भोग प्रसादी में सबसे पहले लिस्ट है मथुरा के पेड़ों की। इसके लिए हमने एक पैन में ले लिया है लगभग 1 कप मिल्क पाउडर। ये भोग बन रहा है कान्हा जी के लिए। तो सबसे पहले हम कान्हा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा सभी जो सामान है, सभी सामग्री है, अच्छी तरह बन जाए और वो प्रसन्नता पूर्वक सबको ग्रहण कर सके। मिल्क पाउडर में हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। घी और मिल्क पाउडर के मिश्रण में जा रहा है दूध और दूध की सहायता से हम इसमें दूध डालते हुए इसको हिलाते रहेंगे जिससे ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो जी, हमने मिल्क पाउडर और घी को दूध की सहायता से एक लिक्विड सा बना लिया है। इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें डालेंगे लगभग 1/2 कप चीनी और थोड़ा सा पानी डाल के हम चीनी को करेंगे कैरेमलाइज। थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आने तक हम इसको कैलेमराइज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कैलेमराइज करने से जो हमारी चीनी है वो कड़वी हो जाती है। तो गैस हमने कर दी है स्लो और चीनी को करते हैं कैलेमराइज। इसी से हमारे मथुरा के पेड़ों में जो एक अलग सा कलर होता है ब्राउन कलर का, वो हमारी इस चीनी की वजह से ही आ पाएगा। ये देखिए, हमारी जो शुगर है वो अच्छे से कैलेमराइज हो गई है, लाइट ब्राउन कलर इसमें आ गया है। बस अब हम इसे और नहीं पकाएंगे और इस मिक्सचर को ट्रांसफर कर देंगे अपने मिल्क पाउडर वाले पैन में। अब इस पैन को भी हम लो मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। ये जो कैरेमलाइज शुगर है ये शुरू में आपको हार्ड लगेगी, पर जैसे जैसे हमारा ये मिक्सचर पकेगा तो ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब इसको लगातार चलाते हुए हम स्लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर दो फॉर्म में आना शुरू हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर दो फॉर्म में आ गया है। बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए और जो हम डिजायर इसका जो कलर चाह रहे थे वो भी मथुरा के पेड़ जैसा कलर इसका आ चुका है। इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, इतने हमारा पेड़ों का मिक्सचर ठंडा होता है, हम दूसरी डिश की तैयारी करते हैं और मैं बनाने जा रहा हूँ अब धनिया पंजीरी। तो पंजीरी बनाने के लिए हमने लिया है मखाने, बादाम, काजू, गोंद, किशमिश, धनिया जिसे हमने अच्छे से धो के और सुखा लिया था धूप में। ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसको धोना भी जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो सकते हैं। ये है मेलन स्वीट यानी खरबूजे के बीज और पिस्ता, इलायची पाउडर और सौंठ पाउडर। तो अब हमने एक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें लेंगे हम 3 टेबल स्पून शुद्ध घी। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं।
वैसे तो पंजीरी आटे से बनाई जाती है, लेकिन जो व्रती होते हैं, जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वो पंजीरी का भोग लगा के पंजीरी से ही व्रत खोलते हैं, तो इसलिए इसे धनिया से बनाया जाता है। धनिया पंजीरी बनाने का एक रीजन ये भी है कि इसमें जो सामान इस्तेमाल किया जाता है वो सब बहुत हेल्दी होता है, और जो एक प्रसूता स्त्री होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया होता है, वो सब इन सामान का इस्तेमाल किया जाता है उसको पहला खाना देने के लिए, जैसे हम सांदा वगैरह बनाते हैं। और यही हमारी भी मनोकामना होती है कि हमारी जो यशोदा मैया ने लल्ला जना है, तो उनको भी इस सामान का भोग लगाया जाता है जिससे उन्हें शक्ति और ताकत मिल सके। घी गर्म हो गया है, अब सबसे पहले हम इसमें मखाने डालेंगे और उनको फ्राई करेंगे। भुन गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं, अब इनको एक परात में ट्रांसफर कर लेंगे। बादाम भून लेंगे, प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी घी में हम भूनेंगे अब पिस्ता। इनमें से आप जो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते उसे स्किप कर सकते हैं। पिस्ता भी अच्छे से भुन गया है, इनको भी हम सेम डिश में ट्रांसफर कर देंगे। उसी घी का इस्तेमाल करते हुए हम भुनेंगे मेलन सीड। मेलन सीड भुन गए हैं, ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं, इसलिए इनको भूनते समय ध्यान रखना है, बिल्कुल भी जलने ना पाए। पैन में थोड़ा घी और ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे काजू। काजू को मैंने 2 पीस में डिवाइड कर लिया है, ये भी बहुत जल्दी भुन जाएगा। काजू भी अच्छे से भुन गया है, हल्का सा गुलाबी कलर इसमें आ गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं गोंद। सामग्री आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा लीजिए, कम बनाना है तो कम लीजिए। इस गोंद को अच्छे से वाइट होने तक भूनना है, और इसको इसके बाद एक खलबत्ते में डालकर जब भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम अच्छे से कूट लेंगे। गोंद भी अच्छे से फूल गया है, इसको अब हम अलग बाउल में निकालेंगे क्योंकि हमें इसे ठंडा होने के बाद कूटना है, मतलब इसकी पिटाई करनी है। गरम गरम मत कूटिए क्योंकि ये गरम अच्छे से नहीं कूट पाएगा, इसको थोड़ा ठंडा होने दें, उसी के बाद इसकी कुटाई करें। अब बारी आती है किशमिश की, इसको भी हल्का सा घी में फ्राई कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। अब उसी पैन में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे और जो हमने धनिया लिया है धो के अच्छी तरह सुखा के पोंछ के उसको इसमें डाल के हल्का सा धनिए को भी हम फ्राई कर लेंगे। अभी भुन चुका है, सौंधी सौंधी महक इसमें आने लगी है, अब इसको हम बंद कर देंगे और इसको भी ठंडा होने देंगे क्योंकि इसे भी हमें पीसना है। हमारा गोंद ठंडा हो गया है, अब इसको खलबत्ते में पीस लेंगे। मेरे पास छोटा सा खलबत्ता है इसलिए मैं आधा आधा करके पीस रहा हूँ। एक मैं आपको यहाँ पे टिप्स देना चाहता हूँ, जब भी आप पिस्ते का इस्तेमाल करें उसको थोड़ी देर गर्म पानी में बॉईल कर लें और उसकी स्किन उतार दें, तो देखिए बॉईल करने और स्किन उतारने के बाद उसका जो ओरिजिनल ग्रीन कलर है वो खुल के आता है और डिश के साथ वो बहुत अच्छा जाता है। मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके दर दरा सा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है। गोंद भी ठंडा होने के बाद हमने अच्छे से कूट लिया है, अब इसको मिला देंगे इस मिक्सचर में और इसमें जाएगा हमारा धनिया। धनिया, गोंद और ड्राई फ्रूट सभी मिक्सचर को अच्छे तरह से हमने मिला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सौंठ पाउडर, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, और इलायची पाउडर, और इसमें हम डालेंगे
टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर शुगर, आप पाउडर शुगर की जगह बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बूरा नहीं थी आज, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ पाउडर शुगर और इसको फिर से एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी धनिया पंजीरी बनकर तैयार है। इसको आप एयर टाइट डिब्बे में बंद कर लें, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद इसी से ही अपना व्रत खोलें और इसको सर्दियों में तो हमेशा ये आपकी किचन में होनी चाहिए क्योंकि वो हेल्दी होती है। और सर्दियों में एक काम और कर सकते हैं आप, इसमें जो व्हाइट मिर्च होती है सफेद मिर्च उसको भी पीस कर इसमें मिला सकते हैं। ये हमारी आंखों के लिए और सब हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। धनिया पंजीरी बनके तैयार है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो मिल्क पाउडर से मावा बनाया था वो जम गया है, अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये बिल्कुल मथुरा के पेड़ों वाला रंग आ चुका है इसमें। अब हम थोड़ा सा हाथ में घी लगा के इनको पेड़ों की शेप दे देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने मथुरा के पेड़े बना लिए हैं। ऑथेंटिक जो पेड़े बनाए जाते हैं उन्हें घंटों तक दूध को उतारा जाता है तब जाके वो टेस्ट आ जाता है, लेकिन हमने जिस तरीके से बनाए हैं बहुत ही आसान है और बहुत कम टाइम में और कम एफर्ट में हमने मथुरा के पेड़े बना लिए हैं। इस तरह सारे मिक्सचर से हम पेड़े बना लेंगे। मैं थोड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिए थोड़ा शेप इधर उधर हो सकती है, उसको आप इग्नोर करें। मेरे एफर्ट को, मेरे शौक को और मेरी कोशिशों को थोड़ा एडमायर करें और प्लीज थोड़ा लाइक शेयर कमेंट और जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम आप सबके लिए अपने लिए और पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। मथुरा के पेड़े बिल्कुल अच्छी सी शेप में बनके तैयार है। तो जी अभी हमारे योगी बाबा आए थे, उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े पेड़े बना रहे हो, थोड़ा छोटे बनाओ और इनमें थंब का इम्प्रेशन दो। मथुरा के पेड़े ऐसे ही होते हैं तो मैं इनका साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और बीच में इनमें थंब का इम्प्रेशन भी दे रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा जरूर कि मथुरा के पेड़े इसी साइज के होते हैं, इसी शेप के होते हैं या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मथुरा के पेड़े बिल्कुल उसी रूप में उसी शक्ल में बनके तैयार है। टेस्ट तो हम भोग लगाने के बाद ही बताएंगे कैसा है। वैसे तो मथुरा के जो ऑथेंटिक पेड़े होते हैं उसमें किसी भी तरह की गार्निशिंग नहीं होती, जिन्होंने खाए हैं उन्हें पता होगा, लेकिन मेरे पास कुछ पिस्ता बच गए हैं तो मैं यहाँ पे पिस्तेशन की गार्निशिंग कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, हमारी एक और डिश बनकर तैयार है, बहुत ही सुंदर बहुत ही टेम्पटिंग। टेस्ट तो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के बताएंगे आपको। कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे आप कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करते, हमारा जो चैनल है हमारा जो ब्लॉग है अभी भी फ्रेंड्स सर्किल में और रिलेटिव में ही दौड़ रहा है। आप लोग बिल्कुल भी हमारा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इस जन्माष्टमी पे प्लीज कमेंट कर दीजिए, हमारे प्रयास को हमारे एफर्ट को थोड़ा सा मोटिवेशन दे दीजिए, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज 5 सितंबर है और आज टीचर डे भी है, तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने सभी टीचर्स को, नर्सरी से लेके 12th और ग्रेजुएशन तक के सभी टीचर्स को टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे सभी टीचर्स स्वस्थ रहें, सुखी रहें और उनका साया सदा हमारे ऊपर बना रहे। तो मेरे बच्चे अभी ग्रेजुएशन में आ गए हैं लेकिन मेरा अभी भी अपने टीचर से संपर्क है। एक उषा, हमारी उषा भंडारी मैडम है जिन्होंने हमें 7th से लेके 10th तक ज्योग्राफी पढ़ाई है, उनसे मेरा अभी भी कांटेक्ट है, उनसे बातें होती रहती हैं। तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि इस उम्र में आके भी मेरे सर पे मेरे टीचर का साया अभी भी बना हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके और मेरे मन को बहुत खुशी होती है। तो उषा मैम, आप जहाँ के भी हैं मेरा ब्लॉग देख रही हैं, तो आपको मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से पूरे परिवार की तरफ से टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपका साया सदा हमारे सर पर बना रहे। एक हमारी दीदी हैं जो चंडीगढ़ में टीचर हैं, संगीता दीदी, आपको भी मैं टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने ब्लॉग के माध्यम से देना चाहूँगा। और सुजाता जो मेरी कजिन सिस्टर है वो भी टीचर है,
सुजाता तेरे को भी बहुत बहुत टीचर डे की शुभकामनाएं। अतुल जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो भी टीचर है, अतुल आपको भी टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते रहें, उनका भविष्य उज्जवल करते रहें और हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रहें, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों आज व्यूएम के टीचर्स के लिए मैं कुछ कार्ड्स वगैरह लेने गया था, उसने मुझसे कहा था कि पापा मेरे टीचर्स के लिए भी कुछ गिफ्ट और कार्ड ले आना। तो उसने कहा कि बाद में कि आप पापा मम्मी के लिए भी कुछ लाना। मैं कहा बेटा मम्मी के लिए क्यों? तो उसने कहा दुनिया में सबसे जो बड़ी टीचर होती है, सबसे पहली टीचर जो होती है किसी इंसान की, वो मदर ही होती है। तो वो मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने अपनी मदर के लिए भी टीचर डे के उपलक्ष्य में गिफ्ट मंगाया। तो वो अपनी मदर को टीचर डे के उपलक्ष्य में गिफ्ट दे रहा है। आओ व्योम। तो व्योम ने अपनी मम्मी के लिए टीचर डे के उपलक्ष्य में गिफ्ट मंगाया है मेरे से। मेरे और व्योम के बीच का सीक्रेट है ये। तो देखते हैं व्योम क्या गिफ्ट दे रहा है मम्मी को। थैंक यू सो मच। खोल के देखो। तो गाइस मम्मा को लेना फर्स्ट गिफ्ट मुझे मिला है टीचर्स डे का। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मेरा बेटा मुझे अपनी टीचर मानता है। आपको आगे पालन भी करता है नहीं कुछ। गॉड ब्लेस यू, आप ऐसे ही तरक्की करें। और आज व्योम राइटिंग में थर्ड आया है। दोस्तों आज मैं आज तो नहीं था, एक महीने पहले मेरा राइटिंग कॉम्पिटिशन था, रिजल्ट आ गया है और गंदी सी राइटिंग लिख के मैं थर्ड आ गया। क्या है वैसे बताओ तो बेटा? है व्योम का तो वैसे पापा की। दोस्तों हमें कुछ नहीं पता। परफ्यूम परफ्यूम सेट है ये वेनिसा का। मम्मा शेयरिंग इज केयरिंग। नो शेयरिंग इज केयरिंग। नो शेयरिंग इज केयरिंग। नैना भी टीचर रही है व्योम की, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस वैसे तो मदर के रूप में तो मैं टीचर हूँ और टीचिंग के रूप में जैसे टीच कराती है नैना, टीचिंग के रूप में है नैना। टीचिंग के रूप में टीचर नैना है। कौन से टीचिंग के रूप में टीचर है? अभी कल कोई मेरे पास रात के टाइम, अभी कोई कल ही रात के बाद रात 11 बजे मेरे पास रोते हुए आके ड्राइंग बना दो ड्राइंग बना दो ड्राइंग बना दो कह रहा था। आज ड्राइंग का पीरियड नहीं हुआ। और ये दगाबाज है नैना से काम करा के उसको तो उसे टीचर नहीं। कितना अच्छा गिफ्ट मिला मुझे, मुझे तो लग रहा मेरा बर्थडे गिफ्ट है ये। और दोस्तों मेरे मदर फादर इन लॉस वो दोनों भी टीचर रहे हैं, आजकल रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने टीचिंग में बहुत अच्छा योगदान दिया है अपना, बहुत से प्राइज वगैरह उन्हें मिले हुए हैं और अपने फील्ड में वो बहुत कर्मठ और फेमस रहे हैं। तो उनको भी हमारे ब्लॉग की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान उन्हें स्वस्थ रखे और उनकी हर मनोकामना पूरी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो दोस्तों हम सबकी तरफ से हमारे अपने अपने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे।